Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to discuss? Yes, हमारी पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया हमारा एनिमल किंगडम, ठीक है? और उस एनिमल किंगडम के अंदर हमने देखे बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज हमने डिस्कस किया था बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह के सेल एग्रीगेट करके स्पॉन्जेस के अंदर हमें मिलेंगे, फिर उसके बाद हमने देखा कि और कौन सा बॉडी प्लान हमने डिस्कस किया, हमने ये भी डिस्कस किया कि सेल्स टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है, ठीक है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, देन हमने डिस्कस किया ब्लाइंड सेक, देन हमने बात की ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या समझा था, हमने ये समझा कि प्रोटोस्टर्म्स क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टर्म्स क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, मेटामेरिज्म के बारे में, ठीक है? तो आज हम हमारे उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, वही सेम चैप्टर है और आज हम उसी चैप्टर के अंदर जो भी हमारे अदर बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो रह गए थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। हमारे सामने देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया था बेटा, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हमने हैबिट्स देखे, हमने हैबिटेट्स देखे, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, ठीक है? हमने प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम इनको डिस्कस कर लिया, हमने ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होगा या एनस डेवलप होगा, साथ में हमने डिस्कस किया मेटामेरिज्म, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज सिमेट्री। आज हम किसकी बात करेंगे, सिमेट्री की, ठीक है? तो पहले बेटा समझते हैं कि सिमेट्री होती क्या है, ठीक है? सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ को डिवाइड करने की कोशिश करूं, मान लो मैं किसी भी चीज़ को सेंटर में से कट करती हूँ, दैट शुड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तब अगर ऐसा मैं कर पाई तो मैं बोलूँगी दैट दिस ऑर्गेनिज्म या जो भी चीज़ है मेरे पास दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है? तो सिमेट्री में हम अक्सर बात नहीं करते, मेक अ सिमेट्री मतलब देर शुड बी अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। या मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और या स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी, तो उसको मैं बोलूँगी एनिमल्स के लेवल पर सिमेट्री, ठीक है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग एनिमल को, अगर मैं फॉर एग्जांपल कट करूं और मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर फॉर अ ह्यूमन, मेरी बात छोड़ो, अगर मान लो एक ह्यूमन बीइंग को हम सेंट्रल एक्सिस ऐसे कट कर दें, तो क्या वो ह्यूमन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, ठीक है? नोज के दो, एक पोर इधर है, एक इधर हो जाएगा। आईज में से एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। मतलब बिल्कुल अगर सेंटर में से कट करें तो हम बोलेंगे ह्यूमंस आर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है, ठीक है? तो कि सब ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सिमेट्री दिखेगी? नहीं, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सिमेट्री नहीं दिखती है, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। कोई सिमेट्री है ही नहीं इनके अंदर, राइट? चलो जैसे कि हम डिस्कस करें, क्या अमीबा को मैं ऐसे अगर मान लो काट दूं, इसकी तो कोई शेप ही नहीं है, कहीं से भी मैं काट दूं, तो क्या ये सिमेट्री में डिवाइड होगा? क्या ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा? नहीं होगा, राइट? तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, दैट इज इट इज एसिमेट्रिकल। और ऐसी मान लो अगर मैं बात करूं, किसकी, इस स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस को मान लो मैंने यहाँ बीच में से ऐसे कट किया, तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? नहीं होगा। ऑस्टिया है ना इसके अंदर, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, राइट? तो इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिकल। तो जो स्पॉन्जेस के अंदर भी हम देखते हैं वो भी हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्री है ही नहीं, राइट? चलो ये भी हमने समझा। तो गैस्ट्रोपोड्स को ले लो, स्नेल्स के अंदर है ना, हर्डेमेनिया, यूरोकोडेटा, इनके अंदर आपको सिमेट्री नहीं दिखती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, आपके हाथ में एक बॉल है, आपके पास एक सर्कल है, मान लो बॉल, मान लो सर्कल, मान लो अगर आप उसको किसी भी प्लेन से कट करते रहो, आपके पास क्या होगा, हर प्लेन से कट करने पे आपको मिलेगी सिमेट्री, ठीक है? तो यहाँ पे इनफिनिट, इनफिनिट किसी भी जगह से काट दो बेटा, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, कहीं से भी काट दो, तो आपको क्या मिलेगी, स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर। दैट इज ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, दैट कैन बी डिवाइडेड इन इक्वल हाफ। आप इमेजिन कर सकते हो एक राउंड बॉल को, राइट? तो इट इज़ वेरी रेयर,
कहाँ दिखती है, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है। चलो तो ये हमने किसकी बात कर ली बेटा, सिमिट्री की, स्फेरिकल सिमिट्री की बात की। उसके बाद हमारे पास कौन सी सिमिट्री है, रेडियल सिमिट्री। कौन सी सिमिट्री है, रेडियल सिमिट्री। और हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने। मेरे पास मान लो ये बॉटल है, आई हैव दिस बॉटल, ठीक है। ये बॉटल ऐसे सिलेंड्रिकल है, लिड इसका सर्कुलर है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक सेंटर ऐसे प्लेन में से पास करूँ तो क्या ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, यस हो जाएगी, राइट। तो रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री के अंदर हमें ये जो सिमिट्री है वो कहाँ नज़र आती है, दैट इज़ ध्यान से देखना, ये वाला इसका एक एंड है सर्कल राउंड, और ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसको अगर मैं इस तरह से कट करूँ, इस तरह से कट करूँ, मतलब अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस अगर एक प्लेन पास कर दिया जाए बीच में से, तब ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में। इस तरह के सिमिट्री को बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। क्या करना है इसके अंदर, द प्लेन पासिस थ्रू सेंट्रल एक्सिस अलोंग द रेडियस। नाम से याद रखोगे, रेडियल सिमिट्री मतलब अलोंग द रेडियस। रेडियस, रेडियस क्या होगा, मान लो ये जैसे सर्कल है, ये इसका रेडियस है बेटा, है ना। बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, आप समझते हो रेडियस और डायमीटर। तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन में से इसको डिवाइड करूँ, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दूसरा आ जाओ, मान लो कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इट इज ऑल्सो समथिंग स्फेरिकल टाइप्स। तो इसके इस रेडियस के अराउंड मैंने कट किया, इधर से कट किया, तो अगर यहाँ से जो प्लेन निकलता है तो ऐसी सिमिट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमिट्री, ठीक है। अब समझो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। रेडियल सिमिट्री मतलब स्फेरिकल सिमिट्री, चलो हमने बोल दिया रेयर है। पहले वाले जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे स्पॉन्जेस जैसे, देवर ए सिमिट्रिकल। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हमने अमीबा देखा, दैट इज ए सिमिट्रिकल, राइट। तो रेडियल सिमिट्री के आने की वजह से, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक ओरल एंड है, एक अबोरल एंड है, मतलब एक माउथ वाला पार्ट है, एक उसके जस्ट अपोजिट अबोरल एंड है, एक अबोरल एंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल सिमिट्री हमें दिखने को मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखो पोलैरिटी डेवलप होती है रेडियल सिमिट्री के साथ, पोलैरिटी डेवलप होती है। और पोलैरिटी बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलैरिटी का मतलब समझो, एक तरफ ओरल एंड, एक तरफ एबोरल एंड। ओरल एंड मतलब ओपनिंग, और उसके नीचे एक दूसरा एंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ससाइल रहते हैं, जो ससाइल, अब आप समझते हो मीनिंग क्या होता है, जो अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम पे, ऐसे मान लो इसको अटैच कर दिया, तो इसके ओरल एंड से फूड की एंट्री हो जाएगी, बट इस एंड से इसने अपने आप को अटैच कर रखा है सबस्ट्रेटम के ऊपर। तो आप देख रहे हो इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर है। और रेडियल सिमिट्री आने से क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हुई। रेडियल सिमिट्री हमें कहाँ दिखेगी, सिलेंड्रिकल जो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, एबोरल एंड से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अटैच कर पाता है, और ओरल एंड से उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अब मान लो मेरे पास है ये, तो चलो रेडियल सिमिट्री की बात की मैंने, ये मान लो मैं बात करूँ कॉम जैलिस की, है ना, टीनोफोरा की। तो इनकी बॉडी के अंदर इस तरह से देर आर यू, ये इसका, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो ठीक है इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, बट मैं यहाँ से करूँगी तो नहीं होगा, तो यहाँ से करूँगी तो भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे दो प्लेन अवेलेबल है, बाई रेडियाई, बाई रेडियल का मतलब दो रेडियाई के ऊपर जब आप प्लेन पास करोगे एक्सिस के थ्रू, आप उसको ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि टीनोफोरा के अंदर या कॉम चैलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है बाई रेडियल्स। तो नाम से समझोगे, बाई मीन्स टू, रेडियल मतलब टू रेडियाई, देर आर टू प्लेन्स आर अवेलेबल अलॉन्ग द बोथ द रेडियाई, दैट इज नोन एज बाई रेडियल सिमिट्री, ओके। तो ऐसी देखो सी एनिमोन में, देखो ऐसे डिवाइड करो तब भी दो में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी देख लो कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो ऐसी जो जब रेडियल सिमिट्री अगर दो एक्सिस से प्रेजेंट हो, देन दो रेडियाई से थ्रू अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज बाई रेडियल सिमिट्री। तो वॉट अबाउट दीज फिशीज, कौन सी, पैंटामेरा सिमिट्री की बात हम करें तो पैंटामेरा सिमिट्री हमें कहाँ दिखेगी, जैसे कि इकाइनोडर्म्स के अंदर। इकाइनोडर्म्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमें पता है स्टारफिश, ठीक है, ये मान लो मेरे पास है
तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए मेरे पास कितने रेडियाई हैं, कितने एक्सिस हैं? वन, ठीक है, ध्यान देते रहना, वन। यहाँ से डिवाइड कर दूँ अगर मैं, टू। यहाँ से डिवाइड कर दूँ, थ्री। यहाँ से डिवाइड कर दूँ, फोर। यहाँ से डिवाइड कर दूँ, फाइव। तो कितने रेडियाई प्रेजेंट है मेरे पास? दैट इज फाइव। तो ऐसी सिमिट्री को हम बोलेंगे पेंटा रेडियल सिमिट्री। अलोंग फाइव रेडियाई वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, जैसे कि इकाइनोडर्म्स के अंदर हम देखते हैं, दैट इज पेंटा रेडियल सिमिट्री। ठीक है, आगे आ जाओ। तो अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिज्म की। हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म्स की कौन सी सिमिट्री है हमारे पास? बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल का मतलब प्लेटी हेलमेंथिस के बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सबके पास कौन सी सिमिट्री मिलेगी? बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, बाई रेडियल बोल रही, बाइलेटरल नहीं, बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, तो अब देखो वहां तो मैंने आपको बोला कि रेडियल सिमिट्री की इंपॉर्टेंस क्या थी, कि पोलैरिटी डेवलप होती है, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर सेसाइल ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे अटैच रहते हैं। ठीक है, इस तरह से तो इनके अंदर पोलैरिटी डेवलप होने से क्या हुआ, दो एंड आए ओरल, और ओरल के जस्ट अपोजिट वाला एंड हो जाता है एबोरल एंड। एबोरल एंड से ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अटैच किया और ओरल एंड से क्या किया, माउथ की जो माउथ बन गया और जिससे फीडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकी, राइट। चलो अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन पोलैरिटी डेवलप हुई, ठीक है। अब आ गई बेटा प्लेटी हेलमेंथिस के बाद बाइलेटरल सिमिट्री आनी शुरू होगी। जैसे ही बाइलेटरल सिमिट्री आई वैसे ही सर्फेसिस अपीयर होने शुरू हो गए, राइट। अगर मैं खुद को देखूं तो आई हैव लेटरल सर्फेसिस, फ्रंट सर्फेस, बैक सर्फेस, इस तरह से, है ना। मतलब दिस वन पार्ट, दिस इज अवर डोर्सल वाला पार्ट, देन वेंट्रल पार्ट। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो सब वेंट्रल साइड पे, ठीक है, वेंट्रल साइड, जो सामने से हमें दिख रही है दैट इज वेंट्रल साइड। लाइक वी वर लाइक दिस, इस तरह से थे हम, वी वर लाइक दिस, इस तरह से मान लो, है ना। ये जो सारे, अगर आप डॉग को, कैट को, इनको देखते हो ना, तो इस तरह से वी वर, दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, और ये कौन सी होगी, लेटरल साइड, जो साइड में ऐसे आ जाएंगी, राइट। अब धीरे धीरे चार पैरों वाले ऑर्गेनिज्म सीधे खड़े होते गए, सीधे खड़े होते गए तो हमारी डॉर्सल साइड चली गई पीछे की तरफ, वेंट्रल साइड आ गई फ्रंट में। ऐसा क्यों था? जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे वेंट्रल साइड पे, और इनको प्रोटेक्शन दी गई फ्रॉम द डॉर्सल साइड। बट जैसे जैसे चार पैरों वाले ऑर्गेनिज्म स्ट्रेट होते गए तो डॉर्सल साइड हमारी बन गई बैक, वेंट्रल साइड बन गया हमारा फ्रंट। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आप देखेंगे वो सब कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है, तो उनको प्रोटेक्शन मिल रही है डॉर्सल साइड से, राइट। तो ये जो हमारे साइड के सर्विसेज हैं, दीज आर लेटरल सर्फेसिस, दीज आर लेटरल सर्फेसिस। तो बाइलेटरल सिमेट्री आने का फायदा ये हुआ, सर्फेसिस डेवलप होने शुरू हो गए धीरे धीरे एवोल्यूशन में। डॉर्सल वेंट्रल के बाद हम ऐसे स्टेट होते गए और कौन सी सिमेट्री आ गई, बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका मतलब सर्फेसिस अपीयर्ड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टार करना चाहिए। और बाइलेटरल सिमेट्री के लिए देयर मस्ट बी ओनली वन प्लेन, वन मिड प्लेन, जिसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन, जिसको क्या बोलते हैं, सैजिटल प्लेन। दिस इज मिड सैजिटल, मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है। कॉकरोच देख लो, बीच में से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा टू पार्ट्स में डिवाइड, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे ही ह्यूमंस, ह्यूमंस को अगर आप सेंटर से कट कर दो तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमने सिमेट्री को डिस्कस कर लिया, सिमेट्री को एक बार हम एनसीईआरटी में से भी देख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी देखो, व्हाट इज एनसीईआरटी सेइंग, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एसिमेट्रिकल, ये हो जाते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। एसिमेट्रिकल कौन होता है, स्पॉन्जेस, राइट। चलो आगे आ जाओ, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। जब कोई प्लेन पास करता है थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे टू आइडेंटिकल हाफ्स में, तब इसको बोलेंगे रेडियल सिमिट्री। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमिट्री। सीलेंट रेट्स,
Actinophores and echinoderms have this kind of body plan. Coelenterate, Actinophore, echinoderms. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ दिखेगी? रेडियल सिमेट्री हमें दिखेगी Coelenterates, Coelenterates, Actinophore, Comb jellies, Actinophores एंड Echinoderms, जो हमने अभी Pentamerous सिमेट्री देखी थी. Echinoderms, ठीक है. चलो, एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, लाइक आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन ओनली वन प्लेन दैट एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री. तो प्लैटीहेलमिंथिस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब कौन सी सिमेट्री शो करेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री. ये देखो, दिस इज ओरल एंड, है ना, सेसाइल ऑर्गेनिज्म, सिलेंड्रिकल जो हमने भी डिस्कस किया. ये कौन सा एंड हो गया? अब ओरल एंड. तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी पोजिशन में. ठीक है, दैट इज रेडियल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री, एक राइट हाफ, एक लेफ्ट हाफ. ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हो डोर्सल और वेंट्रल को. ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज डोर्सल, जितने भी रेप्टाइल्स थे. नीचे वाला वेंट्रल, ताकि नीचे वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती रहे. ये हो गया बेटा इंटीरियर एंड, जिस एंड पे माउथ होगा, और जो टेल वाला एंड हो गया दैट इज पोस्टीरियर. अब जब इनके बाद हम लोग जब स्ट्रेट हो गए तो दिस इज अवर एंटीरियर एंड, ये जो ऊपर हेड वाला पार्ट है. नीचे वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर एंड, दैट इज पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल, और साइड में कौन से सर्फेसिस है? लेटरल सर्फेसिस. और ये क्या है? मेरे हैंड्स, दीज आर अपेंडिसेस. हम इनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो अब हमने बात की सिमेट्री की. ठीक है, चलो अब एक बार बेटा सिलोम पे आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलोम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलोम? सिलोम का मतलब होता है एक बॉडी कैविटी. सिलोम का मतलब देखो, बॉडी कैविटी. ठीक है, क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई कैविटी है? यस. देखो, ये है बेटा हमारा कौन सा सिस्टम? दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ये है हमारी पूरा ये जो बॉडी है, इसके अंदर एक कैविटी है. ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑर्गन्स के ऊपर विसरल पेरिटोनियम, यहाँ पे होता है पेराइटल पेरिटोनियम, यहाँ लीवर और लंग, एवरीथिंग. मतलब मैं क्या कहने जा रही हूँ कि बॉडी है हमारी, दिस इज कंप्लीट बॉडी, इसके अंदर है ऑर्गन्स. मतलब यहाँ पे कुछ स्पेस होगा. अब जितने भी ऑर्गन्स, ऐसा तो नहीं कि रैंडमली ऐसे ही पड़े हुए हैं, नहीं, उनके लिए बाकायदा एक और कैविटी है. कैविटी के अंदर दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड. तो उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलोम. क्या बोलेंगे? सिलोम. अब देखो, ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया ना, दिस वन, दिस इज बाहर से जो कवरिंग है, इसको बोलते हैं मेसोडर्म. इसको क्या बोला? मेसोडर्म. ऐसे ही अंदर की तरफ, ये बॉडी वॉल के अंदर की तरफ ही क्या है? मेसोडर्म. ये क्या है? मेसोडर्म, राइट. चलो एस्कैरिस पे आ जाओ. ये एस्कैरिस के अंदर ये क्या है? दिस इज, ठहरो, इसका कलर चेंज करने दो. दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये व्हाट इज दिस? दिस इज सिलोम. ये भी क्या है? बॉडी कैविटी है. दिस इज सिलोम. और इस सिलोम के अंदर क्या है? सिलोमिक फ्लूइड. सिलोमिक फ्लूइड. और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पिंक वाली लाइनिंग है ना, ये शो कर रही है किसको? मेसोडर्म को. मेसोडर्म. बट ये मेसोडर्म ना देखो, यहाँ पे नहीं है. कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल के अराउंड नहीं है, और यहाँ पे है ये मेसोडर्म. तो ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रही हूँ. देन है हमारे पास अर्थवर्म. अर्थवर्म के अंदर भी अगर हम देखें तो ये इसकी पूरी बॉडी कैविटी लाइंड बाय दिस मेसोडर्म, और ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय मेसोडर्म, और साथ में यहाँ पे है सिलोमिक फ्लूइड. ठीक है, तो ये जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, दैट इज गिविंग द स्पेस टू फिट ऑर्गन, मतलब ऑर्गन्स जितने भी उनको रखने के लिए जो सफिशिएंट स्पेस मिल जाए, तो उस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी कैविटी को बोल रहे हैं सिलोम. क्या बोल रहे हैं? सिलोम. ठीक है, चलो इतनी सी बात क्लियर है कि सिलोम होती क्या है. अब आ जाओ, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती. बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एसिलोमेट. जैसे कि प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट. फॉल्स, कैविटी है बट
दैट इज नॉट ट्रूसिलोम. बात करेंगे अभी क्या होती है ट्रूसिलोम, उसको बोलेंगे एस के हेलिमेंथिस. और यूसिलोमेट जिनको बोलेंगे हम ट्रूसिलोम. यूसिलोमेट्स कैसे होते हैं? ट्रूसिलोम. ठीक है, तो इनके बारे में अपने अभी डिस्कस करने वाले हैं. राइट, चलो अब एक बार ये देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है बेटा सिलोम की. What is the utility of सिलोम? पहली वन बात लिखोगे, ठहरो, utility of सिलोम. Number वन, provides space for presence of organ. फोर ऑर्गन्स कह लो, सिंपल, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए. दूसरा, हम अपनी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, सब आपस में एक तरह से स्ट्राइक भी कर सकते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉडी कैविटी की वजह से हमें एक फ्लैक्सीबिलिटी मिलती है, जो हम अपनी बॉडी को कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं. राइट, तो इट इज़ प्रोवाइडिंग फ्लैक्सीबिलिटी सिलोम की वजह से, दैट इज फ्लैक्सीबिलिटी इज प्रोवाइडेड. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, फ्लैक्सीबिलिटी की वजह से लोकोमोशन आना शुरू हुआ. लोकोमोशन आप क्यों शो कर पाते हो? क्यों? आपकी बॉडी फ्लैक्सीबल है. मैं अपने हैंड्स की मूवमेंट कैसे कर रही हूँ? बिकॉज माई बॉडी इज फ्लैक्सीबल. मैं कैसे चल पा रही हूँ? बिकॉज माई बॉडी इज फ्लैक्सीबल. राइट, तो लोकोमोशन की वजह से, फ्लैक्सीबिलिटी की वजह से वी आर एबल टू लोकोमोट. और लोकोमोट करने का फायदा क्या हुआ होगा एवोल्यूशन के टाइम पर? लोकोमोशन की वजह से हम अपने आप को बेटर फिट कर पाए फॉर सर्वाइवल. डार्विन के थ्रू ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो एवोल्यूशन के टाइम पे जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा. तो लोकोमोशन के चांसेस बढ़ने की वजह से हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ गया. ठीक है, तो दैट इज सर्वाइवल. लोकोमोशन की वजह से क्या हुआ? सर्वाइवल चांसेस जो है दैट इज इंक्रीज, सर्वाइवल चांसेस जो है इंक्रीज्ड हो गए. ठीक है, और दूसरी चीज हमने एक और डिस्कस किया कि सिलोमिक फ्लूइड है. सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू, जैसे कि एक मिनट आओ जरा, हमने बात की यहाँ पे, जैसे सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ पे क्या है? सिलोमिक फ्लूइड है. तो इस सिलोमिक फ्लूइड की वजह से अर्थवर्म का सारा सिलोमिक फ्लूइड, मतलब बॉडी इसकी बहुत सॉफ्ट सी है. राइट, सिलोमिक फ्लूइड अगर इसका इस इंटीरियर एंड पे सारे इकट्ठा हो जाता है तो इट कैन मूव. तो इसकी वजह से इसके अंदर वैसे कोई भी स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बट फ्लूइड की वजह से इट इज एबल टू मूव. इस तरह से रेंगता हुआ चलता है, तो दैट इज सिलोमिक फ्लूइड की वजह से क्या बना रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या बन रहा है आपका? That is hydroskeleton. Silomic fluid is responsible for hydroskeleton. कहाँ लिखे? चलो यहीं पे लिखते हैं. It can also serve as skeleton. Silomic cavity also serve as skeleton. एक सेकेंड. हाइड्रोस्केलेटन. ठीक है, और क्या काम आता है? दैट इज हाइड्रोस्केलेटन बन गया. फ्लूड से अगर कोई स्केलेटन मूवमेंट में हेल्प कर रहे, दैट इज हाइड्रोस्केलेटन. न्यूट्रिशन जो है, जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, वो इंटेस्टाइन कहाँ से ले पाती है? देखो इसके अंदर ये भी सिलोमिक फ्लूड है. ठीक है, हालांकि ट्रू नहीं है, बट यहाँ पे सिलोमिक कैविटी तो है. सिलोमिक फ्लूड की वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं. तो ये हुए कुछ फंक्शन किसके बारे में? हमारी सिलोमिक कैविटी के बारे में. ठीक है, एस कैरीज के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब आते हैं बेटा, व्हाट इज दिस ट्रूसिलोम, व्हाट इज दिस फॉल्स सिलोम, व्हाट इज दिस एसिलोमेट, वो क्या होते हैं? राइट, चलो अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आगे पूरी जैसे जैसे आप आगे आगे बायो पढ़ेंगे, इट विल बी हेल्पिंग यू. राइट, चलो देखो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक. हमने गैस्ट्रुलेशन को जब हमने पढ़ा था हमारे लास्ट क्लास में, हमने ये देखा जायगोट बनता है, इट इज़ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ठीक है, जायगोट के अंदर क्या बन गए? बहुत सारे सेल्स बन गए. ये सेल्स कैसे बनते हैं? क्लीविज से, डिविजन्स हो के. ठीक है, दिस इज नोन एज मोरूला. मोरूला के बाद हमने ये देखा था ब्लास्टुला. तो ब्लास्टुला के ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर ऑल द सेल्स ऑफ ब्लास्टुला, इनको हमने बोला ब्लास्टोमियर. और बीच में जो कैविटी आ गई थी इसको हमने बोला था ब्लास्टोसील. ठीक है, फिर क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन होगा और सेल्स आ गए. ध्यान से सुनते जाना, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
कि ये देखो धीरे धीरे जो बैलून था, फूला हुआ बैलून, जो राउंड बॉल, उसको हमने अंदर से ऐसे यूं प्रेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने अंदर से प्रेस किया तो ये वाला जो लेयर है ना, ये बन जाती है बेटा एंडोडर्म। क्या बन जाती है? दिस इज एंडोडर्म, और दिस वन बाहर वाली को हमने क्या नाम दिया था? एक्टोडर्म। क्या नाम दिया था हमने इसको? एक्टोडर्म। तो ये बन गए बेटा आपके एंडोडर्म, एक्टोडर्म। और धीरे धीरे ये कौन सी कैविटी थी? आर्केंट्रॉन। कौन सी थी? आर्केंट्रॉन। और इसी को ही हमने नाम दिया था प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, जैसे जैसे ब्लास्टोसिल धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि इसके अंदर ये तो हो गए बेटा एक्टोडर्म के सेल्स, ठीक है, और बीच में ये आ गए एंडोडर्म, और इसके बीच में फिल हो जाते हैं कौन से सेल्स? दैट इज मेसोडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स? मेसोडर्मल। तो धीरे धीरे ब्लास्टोसिल होने लग गई खत्म, और इसको ऑब्लिट्रेट किसने कर दिया? मेसोडर्मल सेल्स ने, राइट। और कैविटी कौन सी बनी? आर्केंट्रॉन। अब जब हम इसको ऐसे बीच में से कट करेंगे, अगर मैं ऐसे बीच में से कट कर दूं, राइट, तो ये मेरे पास आ जाती है एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर है ना, ये जो ग्रीन वाली लेयर है, अंदर वाली बन गई ये कौन सी कैविटी बन गई? आर्केंट्रॉन, या जिसको प्रिमिटिव गट भी बोल देते हैं, आर्केंट्रॉन। और इसको सराउंड करते हुए भी कुछ सेल्स थे, ये हरे हरे जो मैं बना रही हूँ, दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, और बीच में कौन से सेल्स हैं? मेसोडर्म, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो कोई कैविटी तो है नहीं, कहीं दिख रही है अब आपको कैविटी? आर्केंट्रॉन को नहीं लेना, आर्केंट्रॉन को नहीं लेना। देखो सिलोमिक कैविटी की मैं एक आपको वो बता दूँ, एक सेकेंड, हमें पहले इसको डेफिनेशन को भी समझ लेना चाहिए, दैट इट इज़ द कैविटी। ये क्या है बेटा? दिस इज ब्लू वन, ये है बॉडी वॉल, ये क्या है आपकी? बॉडी वॉल, ठीक है। और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे इसको समझो। ये क्या है? बॉडी वॉल। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो स्पेस किसके बीच में है? स्पेस किसके बीच में है? बॉडी वॉल के बीच में और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। दिस वन, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन से बना रही हूँ, दिस इज स्पेस, दिस इज सिलोमिक कैविटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक चीज और देखो, कैविटी तो है, देखो इस तरफ से पिंक वाली लाइनिंग जिसको हमने मेसोडर्म बोला था, इधर भी मेसोडर्म से लाइंड है, ठीक है, और इधर भी देखो मेसोडर्म से लाइंड है। तो कैविटी विच इज लाइंड ऑन बोथ द साइड्स बाय मेसोडर्म, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, और इस पॉइंट को स्पेशली मार्क करेंगे लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है, बोथ साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, तब जाके ये बनेगी ट्रू सिलोम, इट विल फॉर्म ट्रू सिलोम, राइट, ठीक है। तो ट्रू सिलोम क्या हुआ? इट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। इस डेफिनेशन को अच्छे से अपने माइंड के अंदर फिट कर लो, ठीक है, तब बनेगी बेटा जाके सिलोम। अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसको हमने सिलोम नहीं बोला, इसको हमने बोला दैट इज ट्रू सिलोम, जिसको हमने बोला ट्रू सिलोम, बट यहाँ पे देखो मेसोडर्म नहीं है, तो इसको हम ट्रू सिलोम नहीं बोलेंगे, इसको हम स्यूडो सिलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्यूडो सिलोमेट एस्कैरिस को, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, अब आ जाओ इधर। तो हमने क्या बोला, जैसे ही हमने इसको कट किया तो बीच में ये कैविटी है, और जो ब्लास्टोसील थी उसको कवर कर लिया मेसोडर्म ने, राइट। इतनी सी बात अगर हमें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब देखो नाउ हमने क्या बोला, ये क्या है बेटा, अब जल्दी से मुझे नाम बोलो, यस, ये कौन सी लेयर बना रही हूँ मैं अब? यस, दिस इज एक्टोडर्म, वेरी राइट, ठीक है। और ये बीच में जो लेयर मैंने बनाई, ये दिस इज एंडोडर्म, दिस इज, देखो दिस इज एक्टो, दिस इज एंडो, जो अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करने की वजह से एंडो बन गई। और बीच में कौन से सेल्स थे बेटा? ये वाले सेल्स, ये थे मेसोडर्मल सेल्स,
कौन से सेल से? मेसोडर्मल सेल। ये वाले ऑर्गेनिज्म कैसे हुए? एसीलोमेट। इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, तो ध्यान रखोगे इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है। बट अब अगर आप देख पा रहे हो, अब अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं कहीं मेसोडर्म के अंदर ये कुछ खाली सा आपको जो स्पेस नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये वाला जो स्पेस, ये अब ये ना पाउचेस बनने शुरू हो गए। किसके? कैविटी बननी, मतलब यहाँ से ना मेसोडर्म हट गई, यहाँ से मेसोडर्म हट गई, बट यहाँ पे क्या है, अभी भी क्या है, एंडोडर्म तो है ही नहीं, ये एंडोडर्म है, बट कहीं कहीं से ये कैविटी हट गई, मतलब बीच बीच में से पाउचेस बन गए, मतलब मेसोडर्म हट गई, तो यहाँ पे खाली सा स्पेस आने लग गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको कट करूँगी, तो आप समझ सकते हो ये क्या है बेटा, ये कौन सी लेयर बना रही हूँ मैं, दिस इज एक्टोडर्म, राइट। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया, एंडोडर्म। तो बीच बीच में ये जो कैविटी बन गई, अब ये जो आपको, जैसे आप इसको कट करोगे तो कुछ मेसोडर्म सेल्स कट जाएंगे और आपको ये नजर आएगा ये कौन से स्पेसिस हैं जो मेसोडर्म के हटने की वजह से बने हैं। तो ऐसा लगता है कि है तो ये भी कैविटी, बट क्या ये मेसोडर्म से लाइंड है, अभी नहीं है, है ना। तो आगे चलो, एक बार आगे चलते हैं, अब आ जाओ इधर, आप देखो, फिर से देखो एक बार, ये क्या है, चलो इधर बनाते, ये क्या है बेटा, एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या है, एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, राइट। अब देखो बीच में क्या है इसके, मेसोडर्म, ये जो सारी लेयर है ये, दिस इज, अब ये कैविटी ऐसे बन गई, ये कैविटी ऐसे डिवेलप होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब बीच में आ गई ये मेसोडर्म, सॉरी सीलोम, बीच में आ गई कैविटी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक मिनट, पिछले स्लाइड पे चलो, अब क्या हुआ, अब देखना सीन क्या है, हम वही वाले सेम कलर्स यूज करेंगे। अब ये वाला सीन था, राइट, और ये हमने बनाए एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये हमने बनाए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ना बीच में बन गई अब एक कैविटी। अब इस तरह से ये मेसोडर्म के सेल साइड में हो गए, मेसोडर्म के सेल साइड में होने की वजह से सेंटर में आ गई ये कैविटी। ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ ना, ये क्या बना रही हूँ, मेसोडर्म के ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स बनाए ना मैंने, ये किसके सेल्स बनाए, मेसोडर्म के। ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखना जरा, ये मेसोडर्म के सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो कैविटी आई है, ध्यान से देखो, अब ये जो कैविटी आई, ये वाली, दिस वन, ये जो कैविटी आई, इसके इस तरफ भी मेसोडर्म है, इसके इस तरफ भी मेसोडर्म है। तो मतलब ऐसी कैविटी जिसके अंदर इधर भी मेसोडर्म, इधर भी मेसोडर्म, दोनों तरफ से मेसोडर्म है, इसको बोलेंगे हम ट्रूसिलोम। इसको क्या बोलेंगे, ट्रूसिलोम। ठीक है, ट्रूसिलोम। ये कैसे थे, एसिलोमेट, ये बन गए हमारे फॉल्स सिलोमेट, और ये बन गए हमारे, जैसे जैसे मतलब अब क्या हुआ, ये कैविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, तो ये बन जाएंगे हमारे ट्रूसिलोमेट्स। ठीक है, अब देखो, अब बन गया है ये वाला सीन, ये बाहर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में ये लाइनिंग किसकी आ गई, मेसोडर्म की। तो अब ये कैविटी कौन सी बन गई, सिलोम। ठीक है, चलो, अब सिलोम हो सकती है बेटा दो टाइप की, अब वो समझना, अगर ऐसे पाउचेस में आके पहले ऐसे कैविटी अपीयर हुई जो बाद में जाके ना फ्यूज कर जाएगी, यूं फ्यूज कर जाएगी, पहले छोटे छोटे से पाउचेस में बने, ठीक है, फिर उसके बाद इनका आपस में हो गया है फ्यूजन, ठीक है, तब तो अगर ऐसे डिवेलप हो रहे हैं तो हम बोलेंगे शाइजोसिलोम से ही, तब क्या बोलेंगे, दीज आर वो वाले यूसिलोमेट जिनके अंदर इस पैटर्न से, मतलब पहले कुछ पैचेस बने, कुछ खाली खाली कैविटीज बनी, वापस हमें फ्यूज कर गई, इनको बोलेंगे शाइजोसिलोम। और अगर ये वाला पैटर्न हुआ कि यहाँ से हट गई और इस तरह से बीच में ऑब्लिट्रेट कर गई, इस तरह से मेसोडर्म के बीच में स्पेस आ गया, तो अगर इस तरह से पैटर्न से कैविटी बन रही जो बाद में ऐसे यहाँ से फ्यूज कर जाएगी, तब उसको हम बोलेंगे कौन सी कैविटी, दैन इट इज नोन एज दैट
एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम, तो ये बन गया आपका एंटेरोसिलोम, ये बन गया आपका शाइजोसिलोम, राइट? यहाँ तक क्लियर है? शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म याद रखोगे, एनिलिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्का, एनिलिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्का, आम, आम, तो इसको याद कर लो, शाइजोसिलोमिक आम, शाइजोसिलोमिक आम, और एंटेरोसिलोमिक कौन से होंगे? काइनो, हेमी और कोडेटा, तो ई के बाद उसके बाद आ जाएंगे हेमी और कोडेटा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ट्रू सिलोमेट्स के अंदर द सिलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? बीच में जो कैविटी बनी, कैविटी के दोनों तरफ क्या है? मेसोडर्म है, तब है ये ट्रू सिलोम, राइट? इट कैन बी शाइजोसिलोम, इट कैन बी एंटेरोसिलोम। शाइजोसिलोम कौन कौन से होंगे? आम को याद रखोगे, दैट इज आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मोलस्का, और इधर कौन से आ जाएंगे एंटेरोसिलोम में? इकाइनो, हेमी और कोडेटा। आई होप यहाँ तक हमें सिलोम का कंसेप्ट क्लियर है। तो एक बार देखते हैं हमारी एनसीईआरटी को, ठीक है? चलो, सिमेट्री देख लिया हमने, डिप्लोब्लास्टिक, अब आ जाओ बेटा सिलोम पे बात करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है? बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, इसको बोलते हैं सिलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम कॉल्ड सिलोमेट्स, जैसे कि एनिलिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड, ये कैसे हुई? शाइजोसिलोम। इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स, ये हो गए बेटा एंटेरोसिलोम्स, राइट? एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट फिर भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज शाइजोसिलोम, व्हाट इज एंटेरोसिलोम। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस है बस कैविटी के कहीं ना कहीं, तो दैट इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम, क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोम, और एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम उनको बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट्स, फॉर एग्जाम्पल एसके हेलिमेंथिस, एसके हेलिमेंथिस के अंदर कौन सी आएगी? स्यूडोसिलोमेट्स है वो। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट उसको बोलेंगे ए सिलोमेट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमेंथिस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करके देख लेते हैं कैसे बनेंगे ए सिलोमेट। हमने अभी भी डिस्कस किया कौन होंगे वो, प्लेटीहेलमेंथिस। स्यूडो सिलोमेट होंगे एसके हेलिमेंथिस, स्यूडो ठहरो, स्यूडो सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है? और यूसिलोमेट मतलब ट्रूसिलोम, राइट? ये देखो, फर्स्ट सिलोम है ये बीच की कैविटी, ये जो रेड सी लाइन दिख रही है दिस इज मेसोडर्म, दिस इज ट्रूसिलोम। अगर ऐसे कुछ पाउचेज हैं तो जिसकी वजह से कैविटी खाली स्पेस दिख रहा है, दैट इज स्यूडोसिलोम, ठीक है? इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, और इनके अंदर कोई कैविटी है ही नहीं, ये तो आर्केंट्रोन है, आर्केंट्रोन, ठीक है? तो ऐसे होंगे बेटा आपके ए सिलोमेट। और ह्यूमन के अंदर देख लो, ये गट कैविटी है, इंटरनल बॉडी कैविटी सिलोम और पेरिटोनियम जो लेयर्स होती हैं ऑर्गन्स के ऊपर, दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया बेटा सिलोम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक सेकेंड, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट नोटोकोड। अब आ जाओ आपके नोटोकोड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, किसका? कॉर्डेट्स का, राइट? चलो, नोटोकोड इज मेसोडर्मल। अब इस मेसोडर्म से ड्राइव होती है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, याद रखने वाली बात क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजन, मेसोडर्मल इन ओरिजन एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड कौन सी होगी? बैक वाली साइड, डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज नोटोकोड। तो इसमें याद रखना है आपको, एक तो बेटा मेसोडर्मल इन ओरिजन, नोटोकोड इज मेसोडर्मल इन ओरिजन, ठीक है? दूसरा, इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, क्या है ये? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? रोड लाइक, मेसोडर्मल, डॉर्सल साइड पे। कब दिखती है ये? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इन सम एनिमल्स, एनिमल्स विद नोटोकोड, इनको बोलेंगे हम कोडेट्स, ठीक है? और दोस्त जिनके पास नहीं है,
दिस स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे नॉन कोडेट्स. फॉर एग्जांपल पोरीफ्रा से लेके इकार्नोडर्म तक सारे क्या है, नॉन कोडेट्स. ठीक है, तो कोडेट जो वर्टिब्रेट्स जब हम पढ़ेंगे हमारे अंदर जैसे पढ़ेंगे तो यही नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. तो जब आप देखोगे ना एम्ब्रियोनिक के अंदर, तो ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोटोकोड. ये कौन सा एंड है, डोर्सल एंड. दिस इज होलो डोर्सल नर्व कोड, एम्ब्रियोनिक लाइफ है. पेरेंजियल पाउचेस और पोस्ट एनल टेल, ठीक है, कॉर्डिट्स के कैरेक्टर है. और यहाँ पे भी नोटोकोड है, ये देख रहे हो, डोर्सल होलो नर्व कोड, पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल स्लेट्स. ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, नोटोकोड के बारे में. इसके अलावा हमारे पास ना कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, हमारे पास कुछ और क्राइटेरिया हैं. वो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, क्या वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं या इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. जब वाटर के अंदर थी लाइफ, ठीक है, तब तो उनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वॉज पॉसिबल, क्योंकि उनके पास एक मीडियम था जहाँ पर फ्यूज़न हो सके, किसका, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का. बट जैसे जैसे लाइफ लैंड पर आती गई, तो अब लैंड पे रहने के लिए शर्त ये थी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलप कर जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म को पास करना पड़ता है थ्रू वेरियस लार्वल स्टेजेस. तो अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम देखेंगे लार्वल स्टेजेस आ जाएंगी. ठीक है, वेरियस स्टेजेस से होकर अगर ऑर्गेनिज्म डिवेलप कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ एक्सक्रीशन, क्या ये यूरिया सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पूरी एनिमल किंगडम के अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइला के अंदर जब हमने डिवाइड किया तो हमने कुछ कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज ले ली. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्या बना दी, एनिमल किंगडम के अंदर वेरियस फाइलास हमने बना दिए. ठीक है, तो ये हमने बात की. अब आ जाओ बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. अब जितने भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने डिफरेंट फाइला के अंदर डिवाइड किया, उसके पीछे क्या क्या और जो मेन बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, वो देखो. That was based on common fundamental features. जैसे कि हमने sections में आगे हम divide करेंगे. Aristotle ने बताया, that is father of zoology, अपनी book Historia Animalium लिखी. Classified animals Inanima और Inanima, बिना blood वाले और blood वाले. ठीक है, कुछ classification ऐसे भी शुरू हुए थे, but वहाँ से एक base मिल गया था. Inanima के अंदर हमने देखा बर्थ देने वाले एग लेइंग एनिमल्स. फिर आर एच विटेकर ने दिया हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलो अब एक बार देखो एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा. दीज आर मल्टी सेलुलर. ठीक है, हमने अब डिवाइड किया. सबसे पहले हमने डिस्कस किया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या इनके पास सेलुलर लेवल है, क्या इनके पास टिश्यू लेवल है. ठीक है, फिर हमने देखा सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म दे आर, मतलब दूसरा पॉइंट हमारा आता है सिमिट्री, दैट दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. ठीक है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा कि दे हैव रेडियल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री. ठीक है, रेडियल सिमिट्री वाले ए सिलोमेट, इनके पास सिलोमिक कैविटी नहीं होती है. ठीक है, इधर से जो मोस्टली एसिमेट्रिकल थे वो भी कैसे थे, ए सिलोमेट. तो थर्ड क्राइटेरिया हो गया हमारा बॉडी कैविटी और सिलोम का. फिर हमने देखा जो बाइलेटरल वाले विदाउट बॉडी कैविटी, इनको हमने रख दिया प्लैटी हेलमेंथिस में. जिनके पास फॉल्स सिलोम थे उनको रख दिया हमने एश के हेलमेंथिस में. जिनके पास ट्रू सिलोम थे उनको हमने रख दिया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा. राइट, और ए सिलोमेट्स को हमने रखा रेडियस मिट्री वाले, सिलेंट्रिडा, टीनोफोरा, और देन सेलुलर लेवल वालों को हमने रखा पॉलीफ्रा में. तो ये एक टेबल है हमारी एनसीईआरटी की, जिसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है. राइट, चलो इकाइनोडर्म्स क्या एग्जिबिट करते हैं, हमने समझा रेडियल सिमिट्री भी और बाइलेटरल सिमिट्री भी. डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी स्टेज है, क्या वो लार्वल स्टेज है या अडल्ट वाली स्टेज है. तो ये जो फिगर हमारे सामने है, देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. कुछ फंडामेंटल फीचर्स को लेकर हमने डिवाइड किया है. ठीक है, तो हमने क्या क्या इसके अंदर डिवीजन, हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. फिर हमने लिया किसके बेसिस पे, सिमिट्री को डिस्कस किया. ठीक है, फिर हमने बात की बॉडी कैविटी की, दैट इज सिलोम की,
और फिर हमने किसकी बात की, इनको फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। और इसके अलावा हमने इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स भी सीखी, हमने हैबिटेट्स भी समझे, हमने हैबिटेट्स भी समझ लिए, हैबिट और हैबिटेट्स भी हमने समझ लिए, ठीक है। हमने प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं वो भी समझ लिए, हमने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म उनको भी समझा। तो एक तरह से अब हम तैयार कर चुके हैं हमारी पूरी एनिमल किंगडम का एक बेस, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम अब अपनी जो भी आगे की स्टडी है डिफरेंट फाइलास को, अपने ऑर्गेनिजम्स को उनके फाइला के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, ठीक है। चलो अब मुझे देने हैं, आपको देने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटाजोआ पूरा हमने डिवाइड किया, पैराजोआ और प्रोटोजोआ एंड मेटाजोन्स, ठीक है, इसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया पूरी एनिमल किंगडम को, ऐसे मान लो। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रोटोजोआ और मेटाजोन्स, राइट, क्लियर है, यहाँ तक हमें क्लियर है, ओके आगे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरल सिमेट्री, नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर्स वाले, ठीक है। तो इसमें टीनोफोर्स तो नहीं है, दीज आर एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जिस भी एसिमेट्रिकल थे, सिलेंट्रेट भी नहीं होते, इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, दीज आर जस्ट दैट इज एस के हेलमेंथिस। तो ए हो गया बेटा हमारा राउंड वॉर्म्स के पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी हेलमेंथिस से शुरू हो जाते हैं और दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आगे आ जाओ, सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम देखो कहाँ कहाँ मिली थी हमें, बॉडी वॉल और गट के बीच में, बॉडी वॉल एंड गट के बीच में जो स्पेस है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा लाइंड बाय मीजोडम, तो इसका मतलब मीजोडम और बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल एंड एक्टोडम नहीं, एक्टोडम एंड मीजोडम नहीं, मीजोडम नहीं, इट इज सी, मीजोडम एंड बॉडी वॉल, कैविटी होनी चाहिए दोनों तरफ, लाइंड बाय मीजोडम, दैट इज सिलोमिक कैविटी, ओके। नेक्स्ट आओ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा नहीं, इकाइनोट्रोमेटा एंड एनेलिडा, इट इज, एक सेकेंड, थर्ड का आंसर हमने क्या दिया, यस, ठीक है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी आपकी बेटा, हाँ, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेड बॉडी है, विच इज ट्रू मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नोटोकोड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड, जिनके अंदर प्रेजेंट है ना उनको बोल देते हैं बेटा कॉर्डेट्स, क्या बोल देते हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। तो सम कॉर्डेट्स नहीं, वर्टिब्रेट्स नहीं, मतलब कॉर्डेट्स सारे आ गए, सारे कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकोड तो प्रेजेंट ही होगी, ठीक है। तो विद दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड विद कंप्लीट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी प्लान, एवरीथिंग इस चैप्टर में लेके अब हमें जिन जिन चीज़ों के जो जो टर्म्स हमारे सामने आएंगी, हमने एक बार उन सब टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार जरा सा एनसीईआरटी से रीड कीजिए, नोट्स आपके सामने बने हुए हैं, इन नोट्स की आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, तो इनको एक बार अच्छे से रीड करेंगे ताकि हम अपने आप को हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ smile.